देखो आंदोलन देश में शुरू होंगे, फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, सरकारों की मनसा ठीक नहीं है, तो आंदोलन ही एक रास्ता है। ये बगैर आंदोलन के देश में कुछ नहीं हो सकता। सरकार ने पहले वादा खिलाफी की, अब भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। सरकारें तो मिल ही नहीं रही है, अभी तो सरकारें, अरे एक माइक ऊपर आ रहा है, और इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे, मूवमेंट हो रहे हैं, ये लगाओ कि अगर आंदोलन ना हो तो सरकारें क्या काम करती। यहाँ पे सांस लेने पे भी दिक्कत हो रही सरकार को, फसलों के दाम नहीं, ये बिजली मेंटेनमेंट बिल लेकर आ रहे, अजय टैनी जो देश का 8 लोगों का हत्या रहा, केंद्र में जब मंत्री रहेगा जो यही हालात देश, लोग उससे अलग जा रहे हैं, उनको समझाने की भी कोशिश करी थी कि जैसे किसान संयुक्त मोर्चा पहले चला दिल्ली में, आप सब उसी के साथ में आओ, लेकिन 8 महीने तक वे नहीं समझे और एक दूसरी मीटिंग दिल्ली में हमने करी। आपको भी बेनिफिट है ना? हाँ करेंगे, बात करेंगे उनसे, मनाएंगे उनको। नहीं आगे आगे थे, फिर उन्होंने रुक के नहीं, और फिर आज भी जो लोग दिल्ली में एक मीटिंग हो रही जंतर मंतर पे, उसके लिए भी फिर बैरिकेटिंग हटाई उन्होंने और लोग वे भी दिल्ली में आए। लेकिन जो जंतर मंतर में मीटिंग हुई है उसमें शामिल जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि आपका वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा नहीं, SKM की वो मीटिंग है ही नहीं, उन्होंने एक अपना अलग SKM अराजनीतिक बनाया है। हाँ तो हमने सब ये कह रहे कि सब एक जगह आओ और मीटिंग करो, इससे पार्ट तोड़ होगी और नुकसान होता है। उनका इल्ज़ाम ये है कि आप और कई और नेता योगेंद्र यादव के समेत सरकार से बैकहैंड पे काफ़ी सारी बातें कर रहे थे जिनसे उनका एतराज था और तो, आपने माना नहीं। वो तो भाई जब उन्हें साथ नहीं रहना तो उनको कह रहे कि जिसे वो को साथ नहीं रहो कड़ियों में साफ बता कर, वो चिट्ठी भी दिखाई है जिस पर आपके सिग्नेचर है। नहीं हमारी कोई सिग्नेचर नहीं है, गलत चीज है। लेकिन MSP की सरकार द्वारा बनाई गई MSP की कमेटी की, अच्छा लड़ाई लड़ दो ना, बहुत नहीं, ये भी झूठ है कि सरकार ने MSP की कमेटी बनाई। सरकार ने कोई MSP की कमेटी नहीं बनाई, देश को गुमराह किया है सरकार ने, और इसीलिए हमने अपने 3 नाम उसमें नहीं दिए। जिस दिन कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है, हाउस में जैसे दूसरे कानून बना रहे हैं, MSP गारंटी कानून हाउस में बनेगा, वो कैसे MSP को लागू करना है उसकी कमेटी बनेगी। 3 दिन पहले बैठक खीरी में भी आप लोग, हाँ 3 दिन रहे, करीब 40-50 हज़ार। बड़े आंदोलन का संकेत है क्या सरकार? हाँ बिल्कुल, आंदोलन का सरकार को संकेत है, आंदोलन तो देश में चली रहे, कब बड़ा मूवमेंट कहाँ किस जगह शुरू होंगे, कितनी जगह होंगे, कितने उसके पॉइंट होंगे, ये आने वाला टाइम। किसान संगठन बटे हुए हैं तो उतनी बड़ी संख्या कैसे लेके आएंगे? कोई नहीं, कोई नहीं बटा, आंदोलन कैसे करेंगे? अरे जो बट रहा वो भी तो किसान का ही काम करेगा सर, वही यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ताकत तो विभाजित हो जाएगी ना, ताकत कोई विभाजित नहीं होती, वे भी यही काम कर रहे हैं, उनके भी यही इशू है। खिलाफ बोल रहे सर, वो आपके खिलाफ भी सब, हाँ बोल रहे, बोलने विरोध हुआ सर? हाँ विरोध हुआ सर। जालौर की घटना में सर क्या कहना आपका है जी? अरे ये इसी तरह की तो मानसिकता है कि आज भी जो लोग जातिवादी में उसमें घुसे हुए हैं और हत्या कर रहे हैं, तो भाई सजा होनी चाहिए, ऐसे ना उनकी वो होनी चाहिए। ये भी जब आप इंटरव्यू लो किसी का या जब किसी को नौकरी मिले तो उसको दलित का उसी मटके का पानी एक जगह पी ले तो वो भी पास हो जा, तो उसको नौकरी दे दो। सर आपने तो ट्वीट किया था इस मैटर में? हाँ बिल्कुल किया, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। हाँ आजाद हुए, 75 साल हो गए, बदलाव आओगा। ये मजदूरों की बात करते हैं, हाँ की बात करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, मजदूर भी तो हम ही रही हैं भाई, हमारे से बड़ा दलित कौन होगा? गांव में रहने वाला हर किसान सब दलित है, खेत में काम करने वाले हर दलित है, हम भी दलित ही हैं, हम कोई अलग हैं, हम भी खेत में काम करके मिट्टी में सने हुए हाथ लेके शहर में जाएंगे तो ज्यादातर जो किसान है वो जट है और वो दलित नहीं है, खेत में काम करने वाले सभी दलित है।
शोषण भी खेत में होता है जी, नहीं गलत चीज नहीं गलत चीज। लेकिन सर पानी पीने के लिए दलित बच्चे को मारा गया ना, और हम तो कह रहे हैं ना कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कानून है, कोई किसी का मारेगा ये करेगा तो उसको सजा है 300। कहाँ पे नहीं, एकजुट कोई नहीं है शिक्षा के समर्थन में, कोई इस तरह के उसमें कोई समर्थन में नहीं आ सकता। सर एक खबर चल रही है, कहा जा रहा है कि आप मनीष सिसोदिया बचाव कर रहे हैं, मनीष नहीं नहीं हमारे कोई बात मनीष सिसोदिया के उसमें नहीं गई, हमने दिल्ली में एजुकेशन हेल्थ की पॉलिसी में बात करी है। खबर छप रही है सर, आप तमाम मुद्दों पे प्रदर्शन करते हैं, सब पे बेरोजगारी पे, युवाओं के मुद्दों पे, सब पे करें, जब इस तरह के अत्याचार होते हैं उन पर कोई आंदोलन नहीं करता, नहीं क्यों नहीं होता, आंदोलन होते हैं सब जगह। राजस्थान कभी गए सर? राजस्थान अब जाएंगे हम, लगातार इस तरीके की दलित की खबर आ रही है, ऐसा नहीं है, वो एक घृणित अपराध है जिसने भी करा है, पूर्ण रूप से अपराधी है और उसको सजा होनी चाहिए। सर जहाँ से आप आते हैं मुजफ्फरनगर से, प्रधान को राम राम नहीं बोला तो दलित व्यक्ति को जो जूते मारे गए हैं छपा क्षेत्र में, हो तो गया उसका इलाज नहीं, नहीं अरे हो, मैं कह रहा कि जिसने करा है और जिसने बुनियादी करवाई है उसका इलाज हुआ, पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया, कोई इस तरह का काम करोगे अरे जो ऐब करेगा भाई वो जेल जाएगा, हमारा मानसिकता नहीं सुधरेगा, अरे मानसिकता को सुधारना चाहिए, नहीं सुधरेगा तो पुलिस अपने आप सुधार देगी, हम उनके किसी का कोई समर्थन में नहीं है जी, अग्निपथ का हमारा पूरा विरोध है, और जिसको भाई अग्निवीर बनना है तो एक आदाब भी बताओ, चार चार साल की नौकरी अगर होगी हो छोड़कर अग्निवीर कोई देश में बढ़ना चाहता है, भर्ती का हमने कोई विरोध नहीं करा, मतलब भर्ती भी करवाएंगे सर? नहीं नहीं वो तो होगी, एक नेचुरल प्रक्रिया है, हम विरोध क्यों करें? ठीक है, लेकिन सर आप का विरोध कर रहे हैं? हाँ विरोध कर रहे हैं, वो तो उसका समर्थन कर रहे हैं, चले जाए ना, हम क्या कोई मैंने कर रहे हैं, जिसको भर्ती होना हो जाए, सरकार तो लगातार कह रही ना जितने ज्यादा रोजगार आएगा, चार साल की जॉब है रिटायर होगा दोबारा आएगा रोजगार, रिटायर होकर दोबारा आप तो एक साल हो गई, अरे ये छोड़ देना अपनी जो नौकरी कर रहे हैं या चार चार साल हो गए ना नौकरी करते, ये भी छोड़ दे और दूसरा एमपी एमएलए बन जाए कोई, वो सर वो तो 5 साल का होता ही है ना, जनता के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है, ये सब भ्रमित करने के लिए कि हमने ज्यादा रोजगार दिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए बना जा रहे, 4 साल में कोई रिटायर होता है देश की जनता को? 11 लाख रुपए मिलेंगे उन्हें, और आज अगर वो दांतों पे जीएसटी लगाई है उस पे क्या कहना चाहिए, और लगेंगे तो महंगा, ये तो 3 कानून बन गए होते सब गोदामों में चला जाता। लेकिन लगातार वित्त मंत्री का बयान आ रहा है कि महंगाई नहीं है, अच्छा वित्त मंत्री कह रही है महंगाई नहीं है, हाँ तो वो तो कहेगी सिलेंडर भी सस्ता हो गया भाई, रुपए की कीमत गिर गई तो उन्हें तो महंगाई दिखती नहीं, 350 का सिलेंडर 1100 का होगा तो महंगाई दिखती नहीं, क्योंकि उनका तो तनख्वाह में है। अब क्या रूप रेखा रहेगी आंदोलन? ये आंदोलन सब जगह चल रहे हैं और ये वैचारिक आंदोलन दुनिया में सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति है। सर अब जो आंदोलन होगा आपको किस जगह होगा, क्या पता कहाँ होगा, क्योंकि जगह जगह बैरिकेडिंग लग गई है। हाँ लग जान दो बैरिकेडिंग, हाँ कर ले पुलिस कर ले, संसद जाने की बात कर रहे, कोई नहीं कर रहा, संसद में जाएंगे चले जाएंगे जिसको जाना है।